उत्तराखंड के कोटाबाग के राजस्व गांव की सड़क निर्माण न होने से 5 ग्राम सभाओं के करीब 5,000 लोगों को जीवन प्रभावित हो रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि उनकी जिंदगी खेती पर निर्भर करती है और यहाँ के किसान सड़क नहीं होने की वजह से फसल मंडी तक नहीं पहुँच सकते हैं, जिसके चलते यहाँ के किसानों के ऊपर आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है। सड़क न होने की वजह से यहाँ गाँव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मैं बताना चाहूँगा, किलोमीटर 7 में काम हमारा स्टार्ट हुआ है जनवरी माह में। इसमें लगभग हमने 7 या 8 महीने का समय दिया। ये हमारा सितंबर 2019 तक कार्य पूर्ण करने की अवधि है ठेकेदार के पास, और इस बीच हमने कार्य प्रगति बढ़ाने के लिए 4 महीने में लेटर भी लिखा हुआ है उसको। इसको बुला के हमने कल ही बात करी है ठेकेदार से कि भाई, चूँकि काम आपका जनवरी में हमने दे दिया डेट ऑफ स्टार्ट, तो काम रुकना नहीं चाहिए आपका, और समय वृद्धि हम किसी प्रकार की नहीं देंगे इस बार, ठीक है। तो आपको जो समय अवधि दी गई है, आपको प्रत्येक दशा में कार्य समय अवधि में ही पूरा करना है। बनने से हमारे जो पहले रास्ते थे वो भी बंद हो गए। हमारे ऊपर नीचे जाने में बहुत परेशानी हो रही है, बच्चों की परेशानी हो रही है, कोई बीमार पड़ जाता है तो वो बीमार भी कोटाबाग नहीं जा पा रहा है, वो भी घर में ही पड़ा है। बहुत परेशानी हो रही है हमको, हम क्या करें हो रही है, हमको बहुत परेशान हो रही है। 8-9 महीने टेंडर हुए हो गए, यहाँ पर ठेकेदार द्वारा बिल्कुल लापरवाही बरती जा रही है, नहीं हो रहा है। यहाँ 5-6 महीने से भी बंद है, जिससे बच्चों को आने जाने में, आम पब्लिक को दिक्कत है राशन लाने में, इधर उधर जाने में, सब लोग परेशान है। आपसे मैंने कहा बीच में, तो ठेकेदार साहब मेरे को कुछ धमकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं मारने की, उसी मेरे को जान माल का खतरा है ठेकेदार साहब से।